भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं, कर तो सकते नहीं है लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। जहां तक आपने शिक्षा मंत्री के बयान की बात कही है, शिक्षा मंत्री को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में इन दिनों प्रोफेसर चंद्रशेखर विवादित बयान के लिए जाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर बिहार में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर कि रामचरितमानस पोटाशियम साइनाइड है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन इस पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को इस बयान पर आपत्ति है तो उन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बोल बोलते रहते हैं। इस पर उनकी पार्टी के नेता, उनके खुद के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहमत नहीं हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या कुछ प्रशांत किशोर प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर बोल रहे, किस तरीके से वो तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। आरजेडी के नेता और लालू जी के लड़के सकारात्मक बात पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबू जी ने किया, ना माता जी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं तो इसलिए मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं, कर तो सकते नहीं है लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है। जहां तक आपने शिक्षा मंत्री के बयान की बात कही है, शिक्षा मंत्री को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है, ये दलगत मामला है, दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जहां हर व्यक्ति ये मान रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो उनको शिक्षा को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर। ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, बात विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए कि भैया रामचरितमानस, भाजपा वाले खड़े हो जाएंगे कि भैया रामचरितमानस के खिलाफ में इन्होंने बोला, इनका पुतला दहन करो। कुछ राजद वाले खड़े हो जाएंगे कि ना भैया रामचरितमानस में ये बात खराब लिखी गई है, और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। तो चंद्रशेखर यादव जो तेजस्वी जी ने सकारात्मक राजनीति की बात पत्रकारों को सलाह दी है, उनको अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए। यह कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। और ऐसा कैसे है कि चंद्रशेखर यादव बयान देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सहमत नहीं है और फिर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है? अरे इतनी राजनीति तो सबको समझ में आ रही है, खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, सकारात्मक राजनीति की बात करें ताकि बिहार का कुछ भला हो।